मीरान, मीरान तुम ठीक हो ना? कोई बात करो मुझसे। ठीक हूं, ठीक हूं मीरान, बिल्कुल ठीक हूं मैं। तुम फिक्र मत करो। मैं जानती हूं कि अभी तुम्हें किसकी जरूरत है और तुम कहां जाना चाहते हो। चलो वहीं चले। मेरी अम्मी तुम्हारे साथ होती तो क्या खुश रह पाती? तुम सच बोल रहे थे बेटा, तुम्हारी माँ के मरने की वजह मैं ही हूँ। अम्मी के साथ कुछ नहीं किया आपने, मैं अपनी माँ के पास आया हूँ। आप सच बोल रहे थे। उस दिन काश तुम्हारी अम्मी की जगह मैं मर जाता। हमेशा यही सोचता रहा कि अम्मी की जगह तुम क्यों नहीं मर गए। इतने साल हमेशा तुम्हें मरता हुआ देखना चाहता था मैं। अगर मैं मर जाता तो शायद तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती। अपनी माँ के प्यार के साथ बड़े होते तो शायद तुम्हारा दिल इतना सख्त ना होता। मेरे अब्बू की जगह अगर मेरी अम्मी तुम्हारे साथ होती तो क्या खुश रहती? क्या वो जिंदा रह पाती? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रियान सच बोलती है, तुम अच्छे इंसान हो। तुम? मैं अच्छा इंसान नहीं हूं बेटा। अम्मी के साथ कुछ गलत नहीं किया उनकी जिंदगी में, जान से कैसे मारोगे उनको? क्या मारा तुमने मेरी मां को या मेरे बाप को? दिलशा, तुम्हारा बेटा भी इधर है, मैं भी यहां हूं, और मैं आपके पास हूं अम्मी, यहां हूं मैं। लेकिन आज जो मेरा ना आपके सामने खड़ा है बिल्कुल अलग है। जो कल कल अम्मी जान, मुझे कल रात ऐसी बात पता लगी है। वो ऑफिसर जो उस रात आपके पास आया था,
उसने बताया। आपको किसी ने भी टच नहीं किया, आप आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ जो मुझे बताया कि अम्मी जान। उस रात किसी ने भी आपके साथ आपकी बॉडी पर सिर्फ गोली का निशान था। देखो अब तुम्हारे बेटे को भी पता लग गया है मैंने कुछ बुरा नहीं किया था। और इतने सालों बाद मुझे भी कुछ पता लगा है। तुम्हें मैंने मारा है, जब खत आना बंद हो गए तो परेशान हुआ था मैं, लेकिन वापस ना आकर तुम्हें मैंने मारा है। मुझे लगा था तुम अपनी मर्जी से शादी कर रही हो, तुम्हें अकेला छोड़कर मार दिया मैंने। जो कुछ मुझे करना चाहिए था जो कुछ मैं नहीं कर सका उसकी वजह से दिलशक की किस्मत बदल गई। मैं दोबारा वही बात करूंगा, तुम्हें लगता है मैंने मारा है तो मैं यहां हूं तुम्हारे सामने, और वैसे भी अब तुम्हें पता लग गया है जो कुछ तुम्हें बताया गया सच नहीं है। जैसे जैसे सच सामने आएगा तुम मेरी तरफ से खुद को बुरा महसूस करोगे, जानता हूं, लेकिन आज के बाद जो कुछ सच सामने आएगा तुम उसका सामना करने के लिए तैयार होना। मिलकर चलेंगे, ठीक है? मैं कल रात तुम्हारी अम्मी की सहेली से मिला, आयला से, हमारी दोस्त थी।
अब हम लोगों को मिलकर उस किसान को ढूंढना होगा। हो सकता है हम लोगों को पता लग जाए अमीर अब्बू को किसने मारा। मैं तलाश करता हूं, आप भी इधर उधर पता कीजिए। उस आदमी को हमें ढूंढना होगा। ठीक है, और एक बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए,